गुमला जिले में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की ये मुठभेड़ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के साथ हुई, जिसमें उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी का एक नक्सली मारा गया और 5 से 8 नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में हुई। वहीं घटनास्थल से एक राइफल, 10-15 केन बम, बम बनाने वाले सामान सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। मृतक नक्सली का नाम संतरी था और संगठन के शीर्ष नेता 15 लाख के इनामी बुद्धेश्वर उरांव की सुरक्षा में था। संतरी के मारे जाने के बाद बुद्धेश्वर उरांव घने जंगल के बीच जा घुसा। पुलिस ने नक्सलियों के मिनी कैंप को ध्वस्त कर वहां से राइफल, गोली, आईईडी बम, विस्फोटक, कपड़ा, खाने पीने का सामान, मेडिकल किट, इंजेक्शन, बिस्तर बरामद किए हैं। इस संबंध में नक्सल अभियान प्रमुख गुमला के ASP ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि सर्च अभियान पर पुलिस की कोबरा बटालियन, जैप एवं जिला पुलिस के जवान गए थे, जहां मरवा जंगल में भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उड़ान का दस्ता मौजूद था। वह वहां पर खाना बना रहा था। पुलिस की पहुंचने की भनक लगने के साथ ही माओवादियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। IG पुलिस द्वारा हमें, श्री अमोल होमकर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस क्षेत्र में बुद्धेश्वर उरांव का जो दस्ता है वो काफ़ी सक्रिय है, उसके लगातार मूवमेंट की खबरें आ रही थी। इसी क्रम में एक अभियान चलाया जाना प्रस्तावित था, जो पिछले 2 दिन से यहाँ पे चलाया जा रहा था। और आज सुबह अभियान चलाने के क्रम में एक पुख्ता सूचना हमें SP गुमला के द्वारा मिली, जिसमें बताया गया है कि बुद्धेश्वर उरांव की पार्टी का वहाँ पर मूवमेंट है इस पर्टिकुलर इलाके में, मारवा गांव के पास में। तो इसी सूचना के आधार पर जब हमारी कोबरा और पुलिस की संयुक्त पार्टी वहाँ पर पहुँची, तो नक्सली जो वहाँ पर पहले से छिपे बैठे थे और कैंप कर रहे थे इनफैक्ट, तो वहाँ उनके द्वारा कोबरा पार्टी को लक्षित करके फायर किया गया। कुछ IED ब्लास्ट भी किए गए, कई धमाके किए गए, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए कोबरा के जवानों ने त्वरित कार्रवाई की और फायर एंड मूव का जवाब करते हुए फायर का जवाब फायर से दिया। और थोड़ी देर बाद जब फायर समाप्त हुआ तो उस इलाके में सर्च करने के उपरांत एक डेड बॉडी प्राप्त हुई। इसके साथ में एक बोल्ट एक्शन राइफल और अन्य साजो सामान बरामद हुआ। और नक्सली मारे जाने की सूचना क्या? और कई नक्सली इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में कोबरा, JJ और पुलिस द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है और इसके आगे की जानकारी। पुलिस ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में बम बनाने वाली सामग्री बरामद की है। वहीं 10 से 15 केन बम बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि ये क्षेत्र माओवादियों का गढ़ माना जाता है और कई स्थानों पर लैंडमाइंस लगे रहने के कारण पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।